ब्लड प्रेशर आज के समय में तेजी से बढ़ती सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है। विशेष रूप से ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। हाई ब्लड प्रेशर के कारण सबसे ज्यादा खतरा हृदय को होता है। लगातार हाई ब्लड प्रेशर की समस्या बने रहने के कारण हार्ट अटैक और स्ट्रोक का जोखिम बढ़ जाता है। हृदय के अलावा हाई ब्लड प्रेशर आंखों और धमनियों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। यही कारण है कि लोगों को समय समय पर ब्लड प्रेशर की जाँच कराते रहने और इसके नियंत्रित करने के उपाय करने की सलाह दी जाती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक ब्लड प्रेशर रीडिंग लगातार 140/90 से अधिक बने रहने को हाई ब्लड प्रेशर माना जाता है। वहीं यदि यह बढ़कर 180/120 तक पहुंच जाए तो सेहत के लिए गंभीर समस्याओं का कारण बन सकता है। डॉक्टरों की माने तो आहार में कुछ बदलाव करके ब्लड प्रेशर को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि ब्लड प्रेशर को ठीक बनाए रखने के लिए किन चीजों से परहेज करना हमें आवश्यक होता है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। नंबर 1, सोडियम की मात्रा कम करें। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक रक्तचाप को नियंत्रित रखने के लिए भोजन में सोडियम की मात्रा को कम करना सबसे आवश्यक माना जाता है। सोडियम रक्तचाप बढ़ा देता है। प्रो स्टेट और फास्ट फूड में आमतौर पर सोडियम की मात्रा बहुत अधिक होती है। विशेषज्ञों के मुताबिक सभी लोगों को एक दिन में 2300 मिलीग्राम से कम मात्रा में ही सोडियम का सेवन करना चाहिए। नंबर 2, शराब का सेवन ना करें। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार बहुत अधिक शराब पीने से रक्तचाप बढ़ सकता है। अत्यधिक शराब पीना भी हृदय रोगों के लिए बेहद ही खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा अध्ययनों से पता चलता है कि शराब में एमपीटी कैलोरी की मात्रा भी अधिक होती है। ऐसे में इसका ज्यादा सेवन तेजी से शरीर के वजन को भी अनियंत्रित कर सकता है। नंबर 3, सैचुरेटेड फैट की मात्रा करें कम। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक उच्च रक्तचाप के जोखिमों को कम करने के लिए सैचुरेटेड फैट का सेवन कम करना चाहिए। सैचुरेटेड फैट के सेवन को कम करने के लिए चॉकलेट, टॉफी, केक, बिस्कुट, प्रोस्टेट मीट, घी, चीज जैसी चीजों का सेवन कम से कम मात्रा में करना चाहिए। आहार को संतुलित रखकर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में मदद मिल सकती है। नंबर 4, ज्यादा कैफीन है नुकसानदायक। कैफीन अस्थायी रूप से रक्तचाप को बढ़ा सकता है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। कैफीन के सेवन को कम करने के लिए चाय, कॉफी और चॉकलेट जैसी चीजों का सेवन कम से कम करना चाहिए। कैफीन की जगह आहार में फल और सब्जियों के साथ चिकन और नट्स को शामिल करने से लाभ मिल सकता है।